हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल टॉकिंग मिट्टू फॉर डेकोरेशंस। और आज बर्थडे का थीम है स्पाइडरमैन, जो कि बच्चों का बहुत ही फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। आज के डेकोरेशंस के लिए लिए हैं मैंने कुछ रेड कलर के चार्ट पेपर्स, ब्लैक कलर का स्केच पेन या मार्कर पेन, अपने कुछ पुराने ब्लू और रेड कलर के दुपट्टे और कुछ ब्लू, ब्लैक और रेड कलर के बलून्स। तो सबसे पहले मैंने अपने रेड कलर के चार्ट पेपर से काट लिए हैं कुछ सर्कल्स, जिनसे मैं बनाने वाली हूँ केक टॉपर, और उसमें इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी है, वेब का डिज़ाइन बना दिया है। और उसके बाद डबल साइडेड टेप की हेल्प से इन सर्कल्स पर हमने लगा दिए हैं टूथपिक, सो दैट हम इन्हें ईजिली कपकेक या केक के ऊपर लगा सकें। उसके बाद केक टेबल का बैकड्रॉप बनाने के लिए मैंने 4 चार्ट पेपर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ टेप, और उनको अच्छे से पीछे से ज्वाइन करने के बाद में इस पर भी वेब का, स्पाइडर वेब का डिज़ाइन बना दिया है। इस बार जो स्पाइडर वेब का डिज़ाइन बनाएंगे वो थोड़ा मोटा मोटा बनाएंगे। इस पर दोनों आइज़ लगा दी है मैंने वाइट पेपर से काट करके। अब अपनी इस लोकेशन पे लगाएंगे बैकड्रॉप का, ये जो मैंने बनाया है, और इन सबको फिल कर दूंगी मैं बलून्स की हेल्प से। ईजी वे में बैलून्स को फुलाने का तरीका और उनसे फ्लावर बनाने का तरीका, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी आपके लिए। अब हमारा बर्थडे बैकड्रॉप ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। 5th बर्थडे है, इस वजह से 5 नंबर का फॉयल बलून लगाया है यहाँ पर। अब केक टेबल बनाने के लिए अपने कुछ पुराने ब्लू और रेड कलर के दुपट्टे और कुछ बेड शीट्स यूज करी हैं। उसके बाद चार्ट पेपर पर एक और स्पाइडर वेब की डिजाइन बना ली है केक टेबल के लिए। हमारा ये स्पाइडर मैन थीम का पूरा डेकोरेशन अराउंड 250 रुपीज के अंदर हो गया, क्योंकि मैंने कुछ चार्ट पेपर्स यूज किए हैं, अराउंड 7 चार्ट पेपर जो कि 5 रुपीज ईच के हिसाब से मिल गए थे मुझे, और कुछ बैलून्स जो कि 60 रुपीज के हिसाब से 50 पीसेस मिले थे मुझे, और 50 रुपीज का एक फॉयल बलून 5 नंबर वाला जो था ये लिया है। तो कुल मिला के अराउंड 250 में ये सारा डेकोरेशन का आइटम आ गया था। तो ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है बर्थडे के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ हनीकॉम बॉल्स, पेपर बॉल्स यूज करी हैं डेकोरेशन के लिए, जो कि मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर रेड कलर का बलून ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये हनीकॉम बॉल्स भी इजिली मार्केट में मिल जाती हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं, 30-35 रुपए की आई थिंक मिल जाती हैं। ये बर्थडे डेकोरेशन 1 मंथ से लेकर के टीनेज तक के ग्रुप के बॉयज़ के लिए किया जा सकता है, तो आप अपने बेटे के किसी भी बर्थडे पर इस डेकोरेशन को कर सकते हैं, बस आपको नंबर चेंज करना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डेकोरेशन आइडियाज़ के साथ में।